नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू और मखाने का हेल्दी, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर लड्डू, और बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए, आपको एक लड्डू तोड़कर भी दिखाते हैं कितना अच्छा लड्डू है। तो इस तरह से एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और ये लड्डू यदि बच जाए तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, कई महीनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं बनाने, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई एक ले लिया है, और 2 कप मखाने ले लेंगे और इसे भून लेंगे, बिल्कुल क्रिस्प होने तक भूनेंगे। फ्लेम को लो पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से भून जाए। लो पे भूनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अच्छी तरह से भून जाएंगे ये मखाने। बहुत ही हेल्दी होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होता है, विटामिन मिनरल्स फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, ओमेगा 3 होता है। तो इसे अपने डाइट में ज़रूर से शामिल करें। इस तरह से नहीं खाते हैं तो जो आज रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ लड्डू, उसमें मैं डाल रही हूँ इसलिए, ताकि बड़े और बच्चे सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो इसे लो फ्लेम पे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, तो एक ले लेते हैं और इसे देखते हैं भून गया है कि नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं, इसके मतलब ये भून गए हैं। तो गैस बंद करके इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने लिया है फिर से वही वाली कढ़ाई और 1 कप ले लिया है सत्तू। तो सत्तू भुने चने से बनाते हैं। तो इस तरह के चने मार्केट में मिल जाते हैं, छिलके हटाए हुए भी मिलते हैं, आप खुद भी हटा सकते हैं। तो इस तरह के चने लेकर के मिक्सी में पीस करके बना सकते हैं, या तो फिर ऐसे पैकेट में भी सत्तू आ जाते हैं तो ये भी ले सकते हैं। पर खुद पीस करके जो बनाते हैं वो बिल्कुल प्योर होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो इस सत्तू को थोड़ा भून लेंगे, ये भुनी हुई है। जैसे बेसन को हम भून करके लड्डू बनाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ये सत्तू भुनी हुई होती है। चना भुने चने की जो सत्तू बनाते हैं तो ये खुद पकी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे 2-3 मिनट। तो इसे लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, बहुत तेज फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। तो अब मैंने ले लिया है 1/2 कप घी। तो इस घी में इसे डाल देंगे, अभी 1/2 के करीब डाल देंगे, बाकी बाद में डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे बेसन की जो लड्डू हम बनाते हैं ना, तो उसी तरह से इसका भी बनेगा, पर ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और सत्तू के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं सत्तू। सत्तू गर्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वैसे सत्तू सर्दियों में भी खाई जाती है। सत्तू के पराठे, लिट्टी, बहुत सारी चीज़ें बनती है, बिहार का फेमस होता है सत्तू की लिट्टी वगैरह। और इसे गर्मियों में घोलकर शरबत भी बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंडक होता है, पेट को ठंडा रखता है। तो सत्तू को सभी लोग काफ़ी यूज करते हैं, और आप भी इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है इसमें। तो ये देखिए खुशबू थोड़ी आने लग गई है, वैसे तो भुने हुए थे ही, लेकिन थोड़ा सा और भून लिया। इससे लड्डू की जो होती है सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, इसे आप 6 महीना भी रख लेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है ये, तो थोड़ी सी घी और डाल देंगे इसमें, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा इसे 1-2 मिनट मैंने भून लिया है, और घी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सत्तू में, ताकि और भी अच्छे से खुशबू आ जाए इसकी और सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। बस अब ये भून चुका है, गैस बंद कर लेंगे। तो हमारा किचन बेसन की खुशबू से बिल्कुल सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है, उसे अच्छे से महक रहा है, और घी का भी खुशबू बहुत अच्छा होता है। तो दोनों से मेरा किचन जो है बहुत अच्छे से खुशबू से भर गया है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बेसन को जब भूनते हैं उसी तरह का टेक्सचर इसका लग रहा है। तो हम इसे एक बर्तन में पलट लेंगे। तो मखाने भी ठंडे हो गए हैं, इसे भी पीस लेंगे। तो बिल्कुल पाउडर की तरह इसे पीसना है। तो ये देखिए भुने जो पिसा हुआ मखाना है, इसे भी इसी में डाल देंगे,
हल्का फुल्का दाना रहेगा तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े दाने नहीं होने चाहिए। अब 150 ग्राम चीनी का पाउडर ले रहे हैं। मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा लगे तो कम भी कर सकते हैं। और हरी इलायची कुटी हुई ले लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अभी भी थोड़ी सी भुरभुरी सी है, लड्डू बांधने के लिए थोड़ा सा घी और चाहिए, तो मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ इसमें जो बचे हुए हैं, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं ये लड्डू। मेरे घर में तो वैसे भी बेसन के लड्डू सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पर बेसन के लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और सत्तू के लड्डू बिल्कुल फटाफट से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और सत्तू है तो और प्रोटीन भी भरपूर है और कैल्शियम भी है, एनर्जी से भरपूर है। इस तरह से बच्चों को बना करके दीजिए, बहुत पसंद आएंगे। आप घी कम खाना चाहते हैं तो अभी अभी जो मैंने घी डाला है उसकी जगह पे आप मलाई भी डाल सकते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, जल्दी से खा करके ख़त्म कर देना होगा। और अभी जो मैंने बनाया है सिर्फ घी से बनाया है, सभी कुछ अच्छी तरह से भून कर बनाया है, तो इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी खासी है। इसे 5 से 6 महीना भी रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ये फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर ही आराम से रह सकते हैं। तो अब हम देखिए इस तरह से लड्डू इसकी बना करके देख लेते हैं, बहुत अच्छे से बन रहे हैं। अब इसमें घी परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा एनर्जी से भरपूर लड्डू बन करके तैयार हो गए। तो इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। तो ये देखिए एनर्जी से भरपूर सत्तू के लड्डू बिल्कुल है तैयार, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, किसी त्यौहार में भी बना सकते हैं, इसे आपको ऊपर से डेकोरेट करना है तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से पिस्ता के कतरन इस तरह से लिया हुआ है, तो इसे लड्डू के ऊपर थोड़े थोड़े से लगा देंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो लगाएं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा सत्तू का लड्डू, सत्तू और मखाने का हेल्दी लड्डू। तो फटाफट से आप भी बना डालिए। तो यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।